दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में हम सभी काफ़ी बातें जानते हैं। अक्सर ये बात हमारे स्कूल लाइफ से, बचपन से जुड़ी हुई है। स्कूल में जब हम जाते हैं, तब हमें बोलने के साथ साथ लिखना यानी कि राइटिंग भी सिखाया जाता है। लेकिन अब जब हम बड़े हुए हैं, तो कभी कभी मन में सवाल आता है कि व्हाई राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। बचपन से हम राइटिंग करते आए हैं, लेकिन राइटिंग का इम्पोर्टेंस हम बहुत कम जानते हैं। आजकल की जनरेशन को अगर देखोगे तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में पले बड़े हैं, इसलिए उन्हें राइटिंग करना एक बोरिंग काम लगता है, और इसलिए उन्हें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाई राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी यहाँ पर ये सवाल पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए नहीं है, असल ज़िंदगी में हम सभी के लिए राइटिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप में से शायद बहुत से लोग ये कहेंगे कि हम तो ऑफिस में जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, और हम ज़्यादातर लैपटॉप या पीसी का यूज़ करते हैं, तो हमें इसका क्या फ़ायदा। स्टूडेंट्स कहेंगे, वैसे भी राइटिंग के नाम से भी हम बोर हो जाते हैं, एग्ज़ाम में भी हमें इतना लिखना पड़ता है कि हमारे हाथ दर्द करने लगते हैं। आपकी ये सभी बातें वाजिब हैं, क्योंकि आजकल हम टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में जी रहे हैं, जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, और हमें इसलिए ज़्यादा कष्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक बात तो सच है कि कितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप क्यों ना हो, लेकिन पुरानी कई ऐसी बातें हैं जिन्हें आज के दौर में भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बातें आज भी मानव विकास करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब खुद से हम पूछते हैं व्हाई राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, तो उसके बहुत सारे रीजंस दिमाग में आने लगते हैं, तो उन्हीं बातों को आज हम विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट रीजंस और इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग। यहाँ पहले हम एक स्टूडेंट की लाइफ में राइटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग। अभी स्टूडेंट की लाइफ में हैंड राइटिंग का इम्पोर्टेंस बहुत है। कहते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग आपका स्वभाव या चरित्र बता देती है। तो अगर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग खराब है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करके अपनी हैंडराइटिंग सुधार सकता है। हेल्प्स टू इंक्रीज राइटिंग स्पीड। एग्ज़ाम के लिए दिए गए समय में हर स्टूडेंट को उसका पेपर कंप्लीट करना पड़ता है, तो इसलिए उसे एग्ज़ाम पेपर सही वक्त पर कंप्लीट करने के लिए राइटिंग स्पीड का होना ज़रूरी है। हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग मिस्टेक। स्कूल में जब स्टूडेंट्स लिखते हैं, तो लिखने की वजह से उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कम होती है। सही शब्दों की जानकारी उन्हें लिखने की वजह से ही मिलती है। हेल्प्स टू इंक्रीज मेमोराइजिंग पावर। राइटिंग करने से स्टूडेंट्स की मेमोराइजिंग पावर बढ़ने में मदद मिलती है। एक बार लिखना यानी कि 7 बार पढ़ने के बराबर है, क्योंकि लिखते समय हमारा ब्रेन हमारे आँखों हाथों की वजह से और भी एक्टिव और कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। अब जनरल लाइफ में हर इंसान के लाइफ में राइटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इट रिड्यूसेस माइंड स्ट्रेस। दिन भर हम न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। कभी किसी की बात दिल को अच्छी लगती है, तो कभी बुरी। तो कभी हम किसी इंसान के बारे में कुछ ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं रहती फिर भी सोचते हैं, तो इन सभी बातों का मन पर स्ट्रेस आ जाता है, और वो कम करने के लिए हमें राइटिंग की ज़रूरत रहती है। इट हेल्प्स टू टेक फर्म डिसीजन। लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि कई बार कोई बड़ा फैसला लेते वक्त हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उस वक्त हमारी सारी प्रायोरिटीज़ को अगर किसी कागज़ पर उतार कर देखें, तो हमें सही डिसीजन लेने में मदद मिल सकती है। हेल्प्स टू मेक अवर माइंड क्रिएटिव। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हो, तो पहले आपको अपनी सारी आइडियाज़ को लिखना ज़रूरी है, तभी जाकर आप उन आइडियाज़ को कहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हेल्प्स टू ब्रिंग आवर आइडियाज़ इनटू रियलिटी। राइटिंग की आदत की वजह से अगर आप अपनी आइडियाज़ को अच्छी तरह से समझ पाते हो, तो उस दिशा में आप अपने कदम बढ़ा सकते हो, जो आपको उन सारी आइडियाज़ को रियलिटी में बदलने के लिए मदद करेगी। इट ब्रिंग्स मैच्योरिटी एंड क्लैरिटी इन थॉट्स। राइटिंग की वजह से मन में आए सारे विचार अगर हम लिख लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारी विचार शक्ति में मैच्योरिटी आना शुरू हो जाता है, और हमारे विचार या सोच और लोगों से बहुत क्लियर
हो सकते हैं। इट हेल्प्स टू फोकस आवर गोल्स। बस एक बार अगर आप सही डायरेक्शन में सोचने लगे तो आप अपना लक्ष्य यानी कि गोल जल्दी अचीव कर पाओगे। इट हेल्प्स टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स विच आर गुड और बैड। अक्सर डेली लाइफ में हम किसी न किसी वजह से हर्ट या हैप्पी हो जाते हैं, तो वो फीलिंग्स या फिर कई बार कुछ बातें या फीलिंग्स ऐसी होती है जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, या ऐसी फीलिंग्स किसी से शेयर करना हम सिक्योर नहीं समझते। तो ऐसे वक्त में वैसी फीलिंग्स हम किसी कागज़ पर या डायरी में लिख सकते हैं। इट हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्टीनेस इन आवर लाइफ। कभी कभी हमें ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि हम बहुत अकेले हैं या हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। तो ऐसे हालात में मन का खालीपन दूर करने के लिए राइटिंग यानी कि लिखना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को सुनकर अब आपको शायद पता चल गया होगा कि राइटिंग का अपने मन के साथ कितना गहरा रिश्ता है। व्हाई राइटिंग इज इम्पोर्टेंट। अक्सर इमोशनल लोग बहुत अच्छी तरह से लिख पाते हैं। जो व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होता है या जो किसी से अपने दिल की बात कह नहीं पाता, वैसे लोगों ने तो रोज डायरी लिखने की आदत अपनानी चाहिए, क्योंकि ऐसी आदतें ही हमारे विचार शक्ति तथा निर्णय क्षमता को बढ़ाने में सहायता करती है। तो जितना हो सके रोज लिखते रहिए और खुद की सोच को एक नई दिशा देते रहिए, तो लाइफ में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।